फेसबुक पर असलहे की सरेआम नुमाइश से पुलिस की नाअहली तक। लाहौर पुलिस की कोशिशों के बावजूद सोशल मीडिया पे असलहे की नुमाइश जारी है। गली मोहल्ले के बदमाशों ने खून की होली खेली। लाहौर लश्कर के साथ आते हैं, सरेआम गोलियां मारी जाती हैं, कत्ल कर दिया जाता है। इलाके में बदनाम जमाना खुर्रम बट की सफाकियत और बर्बरियत इंतहा को पहुँच गयी। दस हजार भत्ता ना देने पर बाप बेटे ने कबाड़िए की दुकान पर धावा बोल दिया। 10,000 रुपया मांगा, मेरे बेटे ने इनकार कर दिया। उन्होंने बात दिल में रखी और धावा बोल दिया। ये खानदानी बदमाश है, इसके बड़े भी बदमाश थे, ठीक है, ये खुद भी बदमाश है। शहरी का कत्ल, खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। पहले आए उन्होंने अंकल ये बशीर को देखा है, जब वो नहीं थे आया, फिर उन्होंने अपनी दहशत फैलाने के लिए गली में कही है। मैं गली की कोनर पे जब जाकर मुझे सांस चढ़ गया, मैं खड़ा हूँ, अभी मैं खड़ा ही हूँ कि मेरे पीछे से आके फायर लग गया। 3 जाने थे वो, एक ने 2 जाने ने मोजर पकड़े, 4 फायर करने लग पे ने पूरे मोहल्ले दे। वो साड़ियाँ औरतें गिते वाड़ को गिते वाड़ गिते वाड़, लेकिन मेरे लग चुका था। कान पे लगी गोली आप? जी भाई, मेरे ना हाथ पर 11 टांके लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, लाहौर पुलिस की कोशिशों के बावजूद सोशल मीडिया पे असलहे की नुमाइश जारी है। ये गली मोहल्ले के बदमाश किस तरह से सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करके मोहल्ले में बदमाशी करते हैं, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते हैं, आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि मुगलपुरा में किस तरह से इसी गली मोहल्ले के बदमाशों ने खून की होली खेली। एक शख्स को कत्ल कर दिया गया जबकि बहुत सारे अफराद इसमें जख्मी हो जाते हैं। ये माजरा क्या है, हमारे साथ रहिएगा, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लाहौर में पुलिस की नाअहली और गफलत हद से बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करते गली के बदमाश अब लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेलने लगे हैं। मुगलपुरा में दिन दिहाड़े पेश आए फायरिंग के वाकये ने शहर को हिला कर रख दिया। 10,000 रुपए भत्ता ना देने पर 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने इलाके में कयामत बरपा कर दी। मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शहरी जा बहक हो गया। इसी फायरिंग के नतीजे में एक खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दर्जनों मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिम खुर्रम बट और उसका बेटा इस संगीन केस में पुलिस को चकमा देने में कैसे कामयाब हुआ? मुजाहिरीन के शदीद एहतजाज के बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई क्यों अमल में ना ला सकी? पुलिस की बेहिसी इंतहा को पहुँच गयी। कौन करेगा मुतासरा अफराद के दुखों का मदावा? आज के प्रोग्राम में होगा सब बेनकाब, मुजरिम कौन? कई बार मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि हमारे गली मोहल्लों में जो बदमाश हैं, जो जिन्हें मैं पहले भी कहता हूँ कि 2% के बदमाश हैं, वो इसलिए क्योंकि हम ही लोगों ने उन्हें बदमाश बनाया होता है। लाहौर पुलिस का इस तरफ ध्यान नहीं है, लाहौर पुलिस का इस तरफ फोकस नहीं है, और सबसे ज़्यादा जानें इन्हीं लोगों की वजह से जाती हैं। एक और जनाजा उठाया गया है, एक और वकुआ हो चुका हुआ है, ये इस बार मुगलपुरा में हुआ है। ये गली मोहल्ले के 2% के बदमाश हैं और चंद हज़ार रुपये भत्ता मांगते हैं एक कबाड़िए से, उसकी दुकान पे जाते हैं। ज़ाहिर है जो हालात हैं, किसने भत्ता देना है? इनकार किया गया, कुछ दिन इंतज़ार किया गया, उसके बाद दोबारा ये बदमाश दोबारा आते हैं, लाओ लश्कर के साथ आते हैं, मसल्ला होके आते हैं और उस गरीब दुकान और दुकानदार पर धावा बोल देते हैं। सिर्फ उस दुकान पर धावा नहीं बोलते, यूँ लगता है कि जैसे पूरे इलाके पे अहले मोहल्ला पे धावा बोल देते हैं। उसका सबूत सीसीटीवी वीडियोस हैं। मोटरसाइकिल पर आते हैं, मसल्ला है, सरेआम टारगेट करके, घरों को टारगेट करके, घर के अंदर रहने वालों को टारगेट करके गोलियां मारी जाती हैं और ये दिन दिहाड़े सब कुछ होता है। अपनी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करके फिर चले जाते हैं। एक शख्स जो इस इलाके का, मुगलपुरा का सरबराह कह सकते हैं हम, या बड़ा सरकर्दा आदमी था, वो समझाने की नीयत से जाता है और उसे भी गोलियों से भून दिया जाता है। एक खातून जो घर से सब्ज़ी लेने निकलती है, वो गोलियों का निशाना बनती है। इस वक्त वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। एक बच्चा है जिसे फायर लगा है, एक शख्स है जिसके कान पे फायर लगा है, और एक वो सलामत जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो बड़े बन के जाते हैं समझाने के लिए और उसे ही गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया जाता है। ये क्या मामला सारा? ये खुर्रम भट्ट कौन है? इसकी टिकटॉक पे, इसकी फेसबुक पे जगह जगह इसकी वीडियोस मौजूद हैं।
असलहे के साथ मौजूद है। एक तरफ लाहौर पुलिस कहती है जी कि हम असलहे की नुमाइश नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ ये सरेआम असलहे की नुमाइश कर रहे हैं, लोगों को आके भून के चले जाते हैं, और फिर वही होता है, नोटिस होता है, चार दिन का एहतजाज होता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। बहरहाल मामला क्या है, मेरे साथ बशीर साहब मौजूद हैं, बशीर साहब की दुकान है जहाँ से ये सारा असल मामला शुरू होता है, तो बाकी भी सलामत के बेटे उसके अलावा मोहल्लेदार भी मौजूद हैं। बशीर साहब ज़रा माइक अपने चेहरे के पास करें, ये खुर्रम भट्ट के बारे में ज़रा आप बताएं। ये अब आज के पास आपके पास मौका है, खुल के आपने बताना है खुर्रम भट्ट कौन है, इसके ये बच्चे ये कहाँ पर रहते हैं, ये कब से बदमाशी करते हैं, इन पर तो सुना बहुत सारे मुकदमात भी हैं। ये ख़ानदानी बदमाश। ख़ानदानी बदमाश से क्या मुराद है? इसके बड़े भी बदमाश थे। ठीक है, ये खुद भी बदमाश है। ये शुरू से ही ऐसे इनका सिलसिला, काम काज कोई नहीं, इनका कारोबार काम क्या है? पाउडर बेचते हैं। अच्छा, जुआ होता है क्या होता है? इधर ही जहाँ पे रहते हैं सरेआम नशा बेचते हैं? बेचते थे कभी, अभी इन्होंने बंद किया। और कौन सा इनका जरिया बदमाशों का, क्या जरिया माश हो सकता है? यही लोगों से बता लेना, बता लेते हैं। लाहौर पुलिस इतनी जल्दी मानती नहीं है कि शहर में हमारे इधर लाहौर में भत्ता भी लिया जाता है। आप अगर कह रहे हैं भत्ता लिया जाता है और ये भत्ता लेते थे, तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और एक और नाज़रीन, इस FIR में पुलिस ने भत्ते की दफात शामिल की हुई हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, पुलिस मानती नहीं है, कुछ भी हो जाए मुदई कह कह के थक जाएँ, भत्ते की दफात शामिल नहीं होती, लेकिन इस FIR में शामिल है। इसका मतलब ये है कि ये वाकई भत्ता लेते थे। ऐसे ही ऐसे ही आपसे भी भत्ता लेने आए थे? हाँ जी। ये कितनी देर पुरानी बात है? ये 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पुरानी बात? हाँ जी, 6 महीने। कितने पैसे लेकर गए थे? 25,000 रुपया। किससे? आपसे? मेरे बेटे से लेके गया था। अच्छा, आपके बेटे से? मेरे बेटे से। क्यों, क्या तकाजा करते हैं? कराची में तो पर्ची भेजी जाती थी और रकम लिख दी जाती थी, यहाँ पे क्या अंदाज है, किस तरह से भत्ता मांगते हैं? डायरेक्टली आगे सरेआम? हाँ जी। इसी तरह कहते हैं जगह टैक्स? हाँ जी। भत्ता दो? हाँ जी। 25,000 रुपये आपके बेटे ने दे दिया? दे दिया। क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया कि हम मजदूर हैं, हम है। किसी से लड़ झगड़ नहीं सकते। अच्छा, इसलिए डर के मारे दे दिया। डर के मारे दे दिया? दे दिया। पुलिस को बताया था? नहीं, किसी और को मोहल्ले में? अगर डरते नहीं तो पुलिस को बताते। चलें, देने के बाद वक्ती तौर पर अपनी जान बचाने के बाद तो फिर आ जाते, उसके बाद पुलिस को बताया? ये जो मामला हुआ है ये उसी का मामला है। बाद में आते, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना जी, आपके दिल में क्या था, क्यों पुलिस को नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया था, डर था। डर की वजह से? डर की वजह से। वारदात के दिन क्या मामला पेश आया? 10,000 रुपए भत्ता ना देने पर मुलजिमान ने कैसे सफाकियत और बर्बरियत की नई तारीख रकम की? वारदात में कुल कितने मुलजिमान शामिल थे? मुद्दई ने FIR के मतन में दर्ज करवाया है कि मुलजिम खुर्रम भट्ट और उसके बेटे तमाम दुकानों से भत्ता वसूल करते थे। तमाम तर शवाहिद मौजूद होने के बावजूद पुलिस क्यों खाबे गफलत से बेदार ना हो सकी? 6 महीने उसके पास कौन से गुजरे? 6 महीने गुजरे। 6 महीने दोबारा नहीं आया? उसके बाद 10,000 रुपया मांगा। कब? 6 महीने के बाद। हा? अभी? अभी 1-2 महीने पहले मांगे पैसे। 1-2 महीने पहले 10,000 रुपए मांगा? 10,000 रुपया मांगा। ठीक, मेरे बेटे ने इनकार कर दिया, उन्होंने बात दिल में रखी और धावा बोल दिया। जिस दिन इनकार किया उस दिन को रद्देमल आया? नहीं, कोई रद्देमल, कोई बात नहीं, कोई रद्देमल नहीं आया। ऐसे लोग रद्देमल नहीं दिखाते। ये जो रद्देमल दिखाया, ये कितना बड़ा रद्देमल इन्होंने दिखाया? नहीं, रद्देमल तो दिखाते हैं ना, ये सारा जो बकवा हुआ है ये रद्देमल ही तो दिखाया। हाँ, लेकिन ये हैरानकुन बात है कि उस दिन कुछ नहीं कहा, 1 महीना इंतजार करते थे। हाँ जी, ठीक है। अब दोबारा 1 महीने बाद आए? 1 महीने बाद दोबारा आए, फिर उसी तरह पैसों का भत्ते का तकाजा? हाँ, किया 10,000 रुपए मांग रहे थे। हाँ जी, मेरे बेटे ने इनकार किया, तो महीना गुजर जाने के बाद इन्होंने ये धावा बोला है मेरे बेटे को। नहीं, अब जब अचानक से दोबारा आगे हमला कर देते हैं या दोबारा आते हैं, कोई बातचीत होती है, तकरार होती है, कुछ भी नहीं होता? बातचीत कोई नहीं। 1 महीने पहले भत्ता मांगा, हाँ, उसके बाद मुकम्मल खामोशी। हाँ जी। अब आते हैं, जाहिर है पूरा मनसूबा बना के आए होंगे, आते ही उन्होंने सीधा फायर करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई तो बात की होगी आपसे, कोई दुकान पे कोई बात की? बात नहीं की, यही आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं, गाड़ी पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, उतरे हैं, उतर के बोलते हैं कि गाड़ी पे बैठो, मोटरसाइकिल पे बैठो। किसे कहते हैं? मुझे कहते हैं। आपको कहते हैं? हाँ जी। आप दुकान पे थे, बेटा नहीं था? नहीं। आपको जबरदस्ती मोटरसाइकिल पे बिठा रहे थे? हाँ जी, बिठा रहे सर। फिर उस तो बाद मैं उन्होंने दूर ले गया, थोड़ी दूर गया, मैंने कहा भट्ट साहब को गलते दसो कि मसला मसाइल है, जो कोई मसला मसाइल है बह के तय करने आन नहीं गाली गलोच, जो उन्होंने तरीके वारदात ने पिस्तौल कढ़िया फायर किया मेरे उत्ते, मैं बच गया।
अच्छा हाँ जी, उस तो बाद महलेदारा ने फड़ फुड़ लिया, बच बचा हो गया, चोरी सलामत मेरे को आया, उन्हें कहा तू दुकान पर बैठ, मैं पूछ के आना वा की मसला। पे फायर करके और खुरम बट और कंपनी चले जाती है, निकल गए। सलामत साहब आते हैं, हाँ जी, उन्होंने कहा तुम बैठो दुकान पर, मैं पता करके आना है की मसला है। वो पता करन गया घर, पूछा जाके उन्हें वो फायर मारता है। सलामत साहब गए हैं जी खुरम भट्ट के घर पे, हाँ उसे पूछने के लिए कि हाँ मामला है क्या जी। आपने सलामत साहब को बताया नहीं था कि भत्ते का मामला है, ये तो पैसे मांगता है, पहले भी मेरे से भत्ता लेके जाता है, ये नहीं बताया सर? ये नहीं बताया, ठीक है। बाद में बात का पता चला ना, ऐसे मैंने अपने बाद में पूछा अपने बेटे से, ठीक है क्या बताया? अच्छा बेटे ने नहीं बताया, ठीक है। सलामत साहब जाते हैं पूछने के लिए या बड़े होने के नाते समझाने के लिए? बड़े होने के नाते, हाँ। तो वो क्या आगे से जवाब मिलता है उन्हें? आगे से फायर मिलता है उनको। अच्छा, कोई बात नहीं, किसी की गोली चला दी? हाँ जी। उन्हें कितनी गोलियां लगती हैं? एक गोली लगी। मौके पे डेथ हो जाती है? नहीं, मौके पे नहीं डेथ होती, हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ ऑपरेशन या जो भी उनका तरीका कार है वो करते हैं, हाँ। लेकिन सेहत नहीं होती, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कितनी देर रहते हैं? बल्कि उनके बेटे मेरे साथ मौजूद है, जरा उनसे हम थोड़ी सी बात करें। नाम क्या आपका भाई? मेरा नाम शाहिद अली। शाहिद, सलामत साहब मुझे पता चला है कि इस इलाके के बड़े थे, लोग बड़ी इज्जत करते थे, इस तरह के कोई भी मामला आता था तो आगे बढ़ चढ़ के लोगों की मदद भी करते थे, वो कोई रफा दफा भी मामला करवा दिया करते थे। इसके अलावा ना वो मस्जिद के सदर भी थे, कब्रिस्तान के भी सदर थे, नेकी करते थे शुरू से, वो कब्रिस्तान कमेटी, हाँ जी, उसके सदर भी थे जी मस्जिद। उस दिन आपको पता था कि समझाने जा रहे हैं खुरम भट्ट को, या आप में से किसी को पता था कि ये मामला है भत्ते का? नहीं, मामला चल रहा है, किसी को नहीं पता था। अक्सर वो मार्केट में कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है, जाकर कवर कर लेते हैं, इसी तरह इसी हवाले से चलेंगे। तो आपके इल्म में था? नहीं, वाले साहब जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने बात क्या की है उनसे? गोली तो जाहिर उन्हें मारा, कत्ल किया, लेकिन बात क्या हुई थी? सर उसने उन लोगों ने बात करने दी नहीं, मौका ही नहीं दिया। जब उधर गए उन्होंने सीधी गोली चला दी, वो गिर गए नीचे, गिरे। उसके बाद कोई हमारा शख्स है बिल्ला, उनको उसने बताया, जब मैं गया तो उधर गिरे थे, उठा के मैं ले आया हूँ शालीमल हॉस्पिटल ले गए। मैं उधर पहुँचा, मैंने अपने वाला साहब से मिला, वाला साहब बोला चुप करो, क्यों कह रहे थे? तो यार ये कोई मसला ना खड़ा करें, डर के मारे ना, मेरी औलाद है, मेरे साथ जो ना हो गया, ठीक है, ये कि मसला ना खड़ा करें, ठीक है। उसके बाद हम उन्होंने कहा ये आप उधर सर्विस ले जाएँ, सर्विस ले गए। उधर उन्होंने चक चुक किया, टांग टूट की थी, तो दो अच्छा, टांग में फायर लगा, टांग में फायर लगा था, तो एक घुटनों से ऊपर लगा था, वो टांग टूट गई थी। तो मैंने पूछा अब क्या हाल है, कहते यार मेरा दर्द बहुत हो रही, मुझे ये टांग उतार दो। मैंने कहा हुआ क्या? बस वो बात नहीं कर सकते थे ना, तकलीफ़ बहुत थी, तो हम भी बेहतर समझे यार अभी तकलीफ़ है, अभी क्या ये दौड़ गई बात में, अभी अल्लाह खैर करे ठीक हो जाएगी, फैर इधर ही है ना, खैर है। उन्होंने ऑपरेशन वगैरह किया, उन्होंने कहा ये इसकी नाड़, जो मेन नाड़ होती है ना ब्लड वाली, वो काटी गई है। ऑपरेशन वगैरह किया, ऑपरेशन हुआ कम से कम 5-6 घंटों का, उनके बाद बाहर आए, मैं तसल्ली थी, बाहर आए हैं, ये मेरे चाचू भी इधर थे, बाहर आए हैं। उन्होंने चंद चक चुक किया, हमने पूछा, मुझे कहता मुझे दर्द बहुत हो रही है, मैं कहा थोड़ा सब्र करना, कहता सब्र कैसे करूँ यार, मैंने मर जाना। मैं कहा अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होता, मैंने उसका मुँह चूमा, वो ऐसे बातें ना करो। उसके बाद मैंने उन्होंने डॉक्टर ने बताया, उन्होंने कहा यार इसकी टांग टूटी है, उसकी मेन नाड़ काटी गई, हमने कोशिश की जोड़ने की, लेकिन जुड़ तो गई है, लेकिन उसकी तसल्ली कोई नहीं अभी दिख रहा है, तो शायद अगर तो 5-6 घंटे में इसका ब्लड चल गया तो ठीक है, अगर ना चला फिर दोबारा ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। दोबारा ऑपरेशन हुआ? नहीं ना हुआ, दोबारा नहीं हुआ, मौका नहीं मिला। अच्छा, उस दौरान ही सर वो ब्लड रुक नहीं रहा था, कम से कम मैंने लगा 10-11 बोतल खून ज्यादा निकलने की वजह से डेथ, हाँ, और उनकी वजह मौत भी यही सामने आई जी सर। ये हैं उस बेकसूर सलामत की चंद तस्वीरें जिसे मुलजिमान ने मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमान की सफाकियत का ये कोई पहला वाकया नहीं था। कुछ अरसे पहले भी मुलजिम खुरम भट्ट की एक ऐसी ही वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पुलिस की टीम पर तशद्दुद करता हुआ दिखाई दिया था। इन सब वाकयात से ये बात साबित होती है कि सफाक मुलजिमान को पुलिस और अदलिया का कोई खौफ नहीं। मकतूल सलामत को मुलजिमान ने कैसे अपने घर बुलाकर
कर गोलियों का निशाना बनाया। मुलजिम खुर्रम भट्ट की सफाकियत और बर्बरियत के बारे में मजीद कौन से चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए? इस खुर्रम भट्ट के बारे में आप भी जानते हैं। देखिये, मामला किसी का था? मामला किसी को नेकी करने के लिए गए थे। वो तो नेकी करने गए थे, उनको समझाया, समझा के भेजा, उल्टी पड़ गई। आप घर जाएं, मैं आपके पीछे आता हूँ। आपको मसला था, आप इधर उसको मना करते हैं, भाई मेरे घर में ना हो। इधर मना कर देते हैं ना, मेरे घर में ना हो, ये क्या वजह हुई? उसके घर में चले गए, फैर कर दी। इधर मना कर सकते थे, भाई तो मेरे पीछे ना आना। यहीं पर उनका आमना सामना हो चुका, इधर सामना पहले हुआ है। उसने कहा आप जाएँ, मैं आपके पीछे घर आता हूँ। ठीक है, उस टाइम चले गए, घर पे गए। सुनने में हमें ये आया, अकेले गए थे? अकेले गए थे, वो मेरा दोस्त साथ गया था, लेकिन वो मस्जिद में चला गया था। उसने कहा था आप मस्जिद में जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। आगे गए हैं, उसके बाद उसके बेटे ने फैर लगाया, मैं हैदरबाद में लगाया, जहाँ सामान लगाया, दोनों में एक बटन लगाया, वो गिर गया नीचे। उसको जब गिर गया बंदा, उसको कहते होश। ये वकुआ उस वकुए से पहले का है जिसमें, जो हम देख रहे हैं कि वीडियो सामने आई हैं, सीसीटीवी वीडियोज़ हैं, जिसमें बंदा धुंध आगे फायरिंग कर रहे हैं। आपके वालिद को पहले वो बुलेट फायर मार चुके थे या उससे पहले का वकुआ है? मेरे ख्याल से यही है, वो मेरे वाला साहब को फायर मार के फिर बाहर गए, उसके बाद बाहर गए। मेरा आइडिया कि यही है, क्यों नजर आ रहा है करने के बाद, क्यों कैसे बोला मारने के बाद दोबारा वो बाहर चले गए ना। फिर उसके बाद फायर मारा तो बाहर निकल गए, बाहर जाके फिर इधर आ गए। बाहर कहाँ पे आते हैं बशीर साहब? आपकी गली की तरफ आते हैं, सामने बशीर साहब की तरफ जाते हैं। उधर जाकर उन्होंने भाई ताशा फायरिंग की है जी, हमने बशीर को मारना है। पूरी गली में बशीर तो नहीं था, उधर बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। अगर बशीर साहब उधर नहीं, बशीर साहब उसी गली में रहते हैं, बशीर का दुकान उधर है। अच्छा, दुकान उधर है, लेकिन घर भी है, घर उधर रश नहीं है, रश इधर रहने की। दुकान खुली हुई थी लेकिन दुकान पे नहीं थे, दुकान पे नहीं थे। नहीं, उन्होंने जिस तरह से टारगेट करके फायरिंग कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि सिर्फ बशीर साहब टारगेट हो रहे थे। वो तो यूँ लग रहा था कि बस जैसे जैसे उन्हें नजर आ रहे हैं, दहशत, अपनी दहशत फैला रहे थे ना। हम मारना है, हमें भी मारे, कोई बात नहीं, मरने के लिए तैयार, हमको टेंशन नहीं। मेरे वालिद गए हैं, दिल को सुकून तो नहीं है, बड़ी इज्जत दी है लेकिन इज्जत के काबिल नहीं है। इज्जत क्यों दी? अगर यही थे ना, इसके मामला इसी तरह के थे सर, इसी तरह। ये बशीर साहब बता रहे हैं, सुन लें, बशीर साहब बता रहे हैं कि वालिद भी बदमाश था, ये खुद भी बदमाश है, फिर बच्चे भी बदमाश हैं। वो तो हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं, फेसबुक पे जिस तरह से तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाई हुई हैं, वीडियोस लगाई हुई हैं, ठीक है, नशा करते हुए साथ में बड़ी बड़ी राइफल्स पड़ी हुई हैं, ये तो हमें समझ आ गई इसी तरह कि ये सारे मामला है। तो इज्जत क्यों देते थे आप लोग पे? इज्जत सर इसलिए, तो वो बदमाश लोग थे, हमारा उसके साथ कोई तलक नहीं था, हम उनके साथ दोस्ती नहीं डाल सकते। इलाका मकीनों के नजदीक मुलजमान ने पहले सलामत को कत्ल किया और उसके बाद उसकी दुकान पर धावा बोला। ये है वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें खुर्रम भट्ट और उसके बेटे हैदर भट्ट को घर पर सरेआम फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में खौफो हरास पैदा हो गया। जुमे की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जाने वाला 14 साल बच्चा कैसे मुलजमान की सफाकियत की भेंट चढ़ा, आप भी जानिए। इन बदमाशों की फायरिंग की जद में जो दो लोग आए वो मेरे साथ मौजूद हैं। एक खातून हैं, वो हस्पताल में हैं, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें उसकी ज़िंदगी के लिए। बच्चा स्कूल पढ़ता है, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, ये उस दिन घर से निकलता है, किस काम के लिए निकलता है, कहाँ पर मौजूद होता है, क्या इसने उन मुलजमान को देखा या अंधी गोली आके इसके बाजू पर लगती है। बेटा आपका नाम क्या है? अंसब। अंसब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 14 साल। 14 साल के हो जी, पढ़ते हो स्कूल में जी, तो आजकल घर पे हो, छुट्टियां हुई जी, तो उस दिन क्या कह रहे थे बेटा? सड़क पे थे या अपनी गली में थे? नहीं नहीं, मैं घर से ना आके बाहर आऊँ जुमा पढ़ने के लिए। अच्छा, बाहर आके भी खड़े हूँ कि थोड़ी देर, वो दो लड़कियां आई हैं, उन्होंने पहले हवाई फायर की है। आप जानते हो लड़कों को? वो यही जो बड़े मामा बता रहे, खुर्रम भट्ट। खुर्रम भट्ट, अच्छा, आप जानते हो पहले से? जी, हम बच्चे हैं ना, तो वो इस तरह की वारदात होती रहती है, पता चलता रहता है। अच्छा, वारदात इस इलाके में ऐसी होती रहती है? हाँ जी, इस तरह यही लोग करते हैं, यही करते हैं। किस तरह की वारदातें करते हैं? यानी ये फायरिंग करना, लोगों को तंग करना, किसी को मार दिया कभी, यानी बच्चों तक का सबको पता है कि ये इनके काम यही है? जी, सबको ये पता है। अच्छा, ये फायरिंग कर रहे थे, कहाँ आपकी तरफ करके फायरिंग की या कहीं और? वो पहले आए, उन्होंने अंकल ये बशीर को देखा, जब वो नहीं थे
फिर उन्होंने अपनी दहशत फैलाने के लिए गली में किया। जब उन्होंने आगे पहले किया, मैं गली की तरफ भाग गया। अच्छा। मैं गली की कॉर्नर पे जब जाकर मुझे सांस चढ़ गया, मैं खड़ा हूँ, मुझे लगा मैं सेफ हूँ, मैं खड़ा हूँ, अभी मैं खड़ा ही हूँ कि मेरे पीछे से आगे फायर लग गया। आपके सामने से फायर लगा है क्योंकि आपके बाजू पे लगा है ना, ये पीछे से फायर है। मैं अभी भाग के जब खड़ा हूँ, हल्का सा पीछे से फायर की आवाज आई, मैं थोड़ा सा घूमा और मेरी बाजू पे आके लग गया। बाजू पे लग गया। तो अभी ये बाजू के ऊपर वाले हिस्से पे लगा है या नीचे? नहीं, वो यहाँ पे लगा है, ये कोनी से नीचे लगा है, यहाँ पे कलाई पे लगा है। तो बेटा ये गोली निकाल दी गई है, डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया है इसका, यहीं पे निकल गई थी, यहीं पे निकल गई थी। तो फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? नहीं, ये वो हड्डी टूट गई है ना, फ्रैक्चर हो गया जी। तो डॉक्टर्स क्या बताते हैं, कितना टाइम लगेगा? वो कह रहे हैं अभी एक हफ्ता भी लग सकता है और दो हफ्ते भी लग सकते हैं। दो हफ्ते लग सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक माह भी लग सकता है। अच्छा, आपकी पढ़ाई खर्च भी हो रहा होगा जी। बेटा बता रहे हैं कि ये बदमाश हैं, सबको पता है, आपको भी पता था, ये इनका मामूल है इस तरह की कार्रवाइयां करना, लोगों पे बंदूकें ताना, लोगों पे फायरिंग करना। तो अब ये मौका नहीं है कि इन्हें पकड़ा जाना चाहिए, इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए आप बताओ? वो इनको फांसी होनी चाहिए, पहले भी पकड़े जाने, ये जब भी कहीं पे वारदात करते हैं और भाग जाते हैं, घर पे नहीं रहते, कहीं भी जाकर छुप जाते हैं। अब ये इधर भी ऐसा ही हुआ, भाग गए, घर पे नहीं है, अभी भी नहीं पकड़ेगे? नहीं पकड़ेगे। इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है पूरे इलाके को जी, सजा मिलनी चाहिए जी। अब कह रहे हैं फांसी मिलनी चाहिए जी। मुलजमान की फायरिंग की जद में आने वाला एक और शख्स कैसे बाल बाल बचा, मुलजमान की हैवानियत और दरिंदगी के बारे में एक और शख्स हमें क्या बताता है। जी भाई जान, आप क्या कर रहे थे, ये कान पे लगी गोली आपको? जी भाई, मेरा ना हाथ पैर, ये माइक यार, 11 टांके लगे हैं, 11 टांके लगे हैं जी, आर पार हो गई गोली। हाँ जी, आपको पीछे से लगी? नहीं, ऐसा वो सामने आए हैं, तीन जाने थे, वो एक वांडू वाइफ था, उसने स्टार्ट किया वांडू वाइफ, उन्होंने दो या उन्होंने मोजर पकड़े चार, तो वो डबल मैगजीन वाले मोजर नहीं होते, पूरे महल्ले फायर करन लग पे ने, पूरे महल्ले दे वो साड़ियाँ औरत किते वाड़ को किते वाड़, लेकिन मेरे लग चुका था, पता नहीं चलिया कि तो वजह। अच्छा, आपके बिल्कुल करीब से फायर लगा? हाँ, ये इतनी दूर थे वो, बस चंद फुट का फासला। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने किते किसी ने नहीं देखा। आपको भी इसी तरह रैंडम फायरिंग कर रहे थे या आपको टारगेट करके उन्होंने? नहीं नहीं, टारगेट नहीं, किसी को टारगेट नहीं कर रहे, नहीं। तो वो करने का मकसद क्या था? पता था भाई ना हमारे, जब उन्हें पता था कि इस गली में लोग खड़े हुए हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, तो इसे टारगेट करने के सिर्फ डर पाना है ना अपने लोग, सारे साडे बड़े नु यो गोली के लिए तो हवाई फायरिंग की जाती है ना। हां जी, उन्होंने सीधे ही मारे हैं, तो सीधे मारे हैं, तो इसे टारगेट करना कहते हैं। हां जी, टारगेट ही किया उन्होंने, वो ना हमारे जो फौत नहीं हो गए वो हमारे ना बड़े सलामत साहब। हां जी, ओदी वजह तो आन के उन्होंने क्या सारे मल्लेदार हैं, ये तो आपके देखे ने कान पे जहां पे लगा है, खुदा ना खास्ता ये बिल्कुल आपका सर साथ है जी, जाहिर है कितना फर्क होता है। हां, कोई फर्क, एक इंच का फर्क भी नहीं है, अल्लाह ना करे गोली थोड़ी सी इधर होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। हां जी, जान जा सकती थी। हां अल्लाह, लेकिन उन्होंने नहीं देखा भाई, उन्होंने फायर आन के सारे खोले। और आपको कुछ देर बाद पता चला? हां जी, मैं नीचे जो गिरा होगा आगे ना, हम सारे मैंने हाथ देखा ना, मेरा हाथ सारा खून से भर गया था उस वक्त, पता चला आपको? हाँ जी, यानी कि उन्होंने बड़े मोजर, यानी कि डबल मैगजीन वाले मोजर थी उन्होंने, पूरे महल्ले थे उन्होंने गोलियां। अब तो देखें ये बड़ा ही मजबूत केस है, गवाही है, ये बच्चा भी, अब इतना बच्चा छोटा नहीं है, 14 साल का, आप हैं और लोग हैं जिनके साथ हुआ है जी, इसकी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। हाँ जी, तो अब पुलिस के पास कुछ रहता नहीं है कि पुलिस इन्हें सजा ना दिलवा सके। हाँ जी, आधे से ज्यादा काम तो पहले ही हो चुका है पुलिस का, जो तफ्तीश पुलिस ने करनी थी सब कुछ, तो आप लोगों ने पुलिस को दे देना जी। तो आप भी चाहते हैं कि इनसे अब छुटकारा मिलना चाहिए? हाँ जी भाई, देखो असि है सारे कारोबारी लोग, मजदूर आदमी, असि असि इन्हों लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हूँ साढ़ा एक हैगा, असि इंशाला तला तुम पुलिस ने ना कुछ किया, फिर असि कुछ करा, क्या करेंगे, फिर करेंगे ना, जब हमारे काबू आएंगे, जो इधर आएंगे फिर हमें तंग करने के लिए। ये ऐसा तो नहीं होगा कि अभी ये केस चले आगे, उसके बाद वो दोबारा आए, मिन्नतें करें, रिक्वेस्ट करें, उस दोबारा कोई स्टाम हो जाए, आप लोग लिख के दे देंगे, माफ़ कर देंगे? अभी तो हमारे साढ़े बड़े बैठे ना, वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। बड़ों ने अगर कह दिया जी हाँ ठीक है माफ़ कर दें जी, अब इसकी माफ़ी तो नहीं ना बनती, या पुलिस को सजा दें फिर तो माफ़ी बनती है, खुद से ये फैसले नहीं करने चाहिए? हाँ, जब कोई केस कानून के पास चला जाए, पुलिस के पास चला गया, अदालत में केस चल रहा है,
खुद से तो माफी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, कानून को अपना रास्ता बनना चाहिए, कानून को ये काम करना चाहिए। कानून की मान के हम आगे नहीं लगाए उधर चौक में, वापिस आ गए हम सब उनकी मान के, लेकिन वो पकड़े नहीं गए, अभी तक नहीं पकड़े गए। मेरा 72 घंटे हो गए, 12:30 बजे की गल, 12:30 बजे की गल ना भाई, 1 बजे की गल है जुम्मे वाले दिन की। हजरत अली का कॉल है कि मुआशरे में कुफ का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जुल्म और इंसाफ की अदम फराहमी मुआशरे को ऐसी तबाही की तरफ धकेलती है जिससे बचना मुमकिन नहीं। इंसाफ की भीख मांगते मजीद कितने अफराद मुल्जिमान की हैवानियत का शिकार हो चुके हैं। आपकी बेगम थी जो गली में खड़ी हुई थी? जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो किस काम के लिए आई हुई थी? कोई सब्जी वगैरह लेने के लिए? जी, मैं घर से निकला था तो मैंने बेगम को पैसे दिए थे। हौसला रखे मेरा भाई, सबर कर। ये अभी किस हॉस्पिटल में, ये बताएं? सर्विस हॉस्पिटल। सर्विसेज में फायर कहाँ लगा है? पेट पे? पेट पे लगा है। अब डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि हालत पहले से बेहतर, स्टेबल है? नॉर्मल गया है, अभी उसकी कुछ भी नहीं कह सकते, दुआ कहते हैं। ऑपरेशन हुआ होगा? ऑपरेशन हुआ 8 घंटे का। बुलेट निकल गई गोली? जी, 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ है। जी जी, बच्चे हमारे साथ, 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं मेरी आंखों के सामने। ना इनकी बीवी का कोई कसूर था? वो भी राह चलते हम कह सकते हैं राहगीर थी, क्योंकि वहाँ पर खड़ी हुई थी। इसी तरह जो सलामा साहब हैं वो तो बल्कि नेकी करने गए थे, वो गोली का निशाना बने। इसी तरह जो दूसरे हैं जिनसे मैं अभी बात करवाऊंगा, ये सब वो लोग हैं जिनका इस सारे मामले से, इस लड़ाई झगड़े से या इस भत्ते के मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। सिर्फ अपनी इस इलाके में उजारा दारी कायम करने के लिए, सिर्फ बदमाशी, लोगों के दिलों में खौफ डालने के लिए ये फायरिंग की गई। और ये इतने ज़ालिम लोग हैं कि उन्हें ये एहसास नहीं था ये जो गोली है वो किसी को भी लग सकती है। और फिर ऐसा हुआ, लगी, 4 मुख्तलिफ लोगों को ये गोलियाँ लगी। हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया गया है, कोशिश करेंगे कि वो तफसीलात भी सामने आ सकें कि ये जो खुर्रम भट्ट कंपनी है, जो बेटे हैं, ये ख़ानदान है, इन पे पहले बहुत सारी FIRs हैं, मुकदमात हैं, और बड़े संगीन किस्म के इन पे मुकदमात थे। तो सवाल तो फिर उठता है, जब कानून अपना रास्ता नहीं बनाता, इस तरह के जालिम लोग और 2 टके के बदमाश जब सीना चौड़ा करके जेल से निकल कर वापस आते हैं, तो फिर ये गरीब मजदूर लोग जो गली मोहल्ले में रहते हैं, दिहाड़ीदार, वो खौफ ही खाएंगे, वो डरेंगे। ये बहुत सारे सवालात, बड़े जो बदमाश हैं उनकी तो हाजिरियाँ लगवाई जाती हैं, वो आते हैं, उसके बाद उन्हें TV पे दिखाया जाता है, प्रेस रिलीज इशू की जाती हैं, और बड़े नंबर बटोरे जाते हैं कि देखे जी हमने बड़े बदमाशों की हाजिरियाँ लगवा दी हैं। ये बदमाश किस तरह छोटे बदमाश हैं, किस तरह ये बड़े बदमाशों से काम है? ये रोज़ लोगों की जानें ले रहे हैं। अब सिर्फ ये एक छोटा सा वकूआ है और इसके वजह से 4 खानदान इससे मुतासिर हुए हैं। एक तो दुनिया से चला गया और जो 3 हैं उनकी जो हालत है वो भी सबके सामने है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खतरे से बाहर है, खुदा ना खासा कोई जानी खतरा नहीं है। जानी खतरा नहीं है। आप भी जानते हैं इस इलाके में रहते हैं खुर्रम भट्ट को, उसके बच्चों को? जी जी बिल्कुल। इस सारे वकूए का पता था आपको? क्या ये एपिसोड चल रही है, ये क्या मामला चल रहा है? कुछ भी नहीं था पता। बशीर साहब ये हमारे मोहल्लेदार, हमारे बड़े हैं, कभी इन्होंने भी किसी के साथ कभी कोई ऊंच नीच की बात नहीं की है किसी किस्म की भी, कि जो हम भी समझें कि चले इनका कोई इनके साथ झगड़ा चलता है, कोई बात नहीं, इनके होते रहते हैं, कभी ऐसा हमने सुना नहीं है, वहीं पे रहते हैं। लेकिन ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा। हम किसी को क्या, किसी के आगे झोली बनाएं कि हमें इंसाफ मिले। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और इलाके में रहने वाला हर शख्स बदमाश खुर्रम भट्ट के घनाओं ने कामों को जानता था, इसकी सफाकियत को भुगत चुका था, हर कोई इसके खौफ में मुब्तला था। इस सब के बीच में टीम मुजरिम कौन को एक ऐसी वीडियो मौसूल हुई जिसने हमारे निजाम इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। वीडियो में ताकत के नशे में चूर मुलजिमान कत्ल के लर्जा खेज वाके के बाद TikTok पर वीडियोस बनाते हुए नजर आए। ये वीडियो 4 अफराद पर फायरिंग और 1 कत्ल के वाके के बाद मुलजिम हैदर भट्ट की जानिब से बनाई गई थी। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद पुलिस की कारकर्दगी और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर सवालिया निशान उठने लगे। इस भत्ते वाले मामले का आपको पहले से पता था? नहीं, कुछ भी नहीं। इस इलाके में भत्ता मांगा जाता है? देखें, जिससे मांगा जाता है उसी को पता होता है, लेकिन इज्जत के लिए हर इंसान डरता है इन लोगों से।
इज्जत की खातिर नहीं, अभी भी आप लोग डर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपके घरों तक पहुंच गए। अब क्या करें, हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन सच तो बोलना चाहिए ना। सच बोल, सच तो बताना चाहिए। अब तो ये आग वो भड़कती भड़कती आपके घरों तक पहुंच गई है। बिल्कुल पहुंच गई है, इसमें कोई सच नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? एक तो बशीर साहब तो कह रहे हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मेरे से भत्ता मांगा गया, मैंने दिया भी 6 महीने पहले। इस इलाके में और भी सुन ले, इस इलाके में और भी लोग हैं जिससे भत्ता मांगा गया या लिया जाता है। क्या करेंगे हम सच बोल के? कहाँ पे किसको इंसाफ मिला है? कोई भी हमें खड़ा होकर बता दे, आज तक किसी कानून ने हमें इंसाफ किसी को दिया हो? हम भी TV देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, इसी तरह हमारी तरह लोग खामोश हो जाते हैं। अब मेरा भाई, इतने मायूस ना हो, मुंह बंद कर दीजिए। आप इतने मायूस ना हो, अभी आप अपना सिर्फ फर्ज अदा करें, जो कि माजरत के साथ आप में से किसी ने भी, इस इलाके में रहने वाले किसी ने भी इससे पहले अदा नहीं किया। ये आज जो आपने कट किया है, अब आप आज जो सीना चौड़ा करके तान के खड़े हुए कि जी अब हम नहीं छोड़ेंगे, ये अगर आपने पहले किया होता हालात यहाँ तक पहुँच देना, तो इसमें ये मौका नहीं है। लेकिन इसमें बराबर के कसूरवार आप सब भी हैं। आप से थोड़ी देर में बात करूँगा, आप मुझे बताएं जी कि जानते हैं इस इलाके में किसी को, या सुन रखा है कि भत्ता ये शख्स लेता था, ये इसके बेटे ये सब भत्ता लेते थे? ऐ बकुआ होने तो बाद काफ़ी लोगों ने सानू जेड़े उन्होंने मुकाबला नहीं सन कर सकते, फरदन फरदन सानू दुकानदारों ने दसा कि साढ़े को भी आए ने, साढ़े को भी आए ने, जेडे डर मसल डरन तो बाद हो सकता है कि पुलिस के कोल दरखास्त दे इस मामले च, क्योंकि हूँ ओपन हो चुके हैं। कितने लोग हैं, कितने पैसे मांगते थे? पता नहीं, उनसे भत्ते की मद में इनसे तो पहले 25,000 लिया, अब 10,000 रुपये डिमांड की, कितने पैसे मांगते थे? इसी तरह ही पाँच पाँच 10,000 रुपये ये तो दुकानदारों को पता ना, अभी तो वो बता रहे हैं ना। तो आप लोग इकट्ठे करें ना उन सब, मैं उनको इकट्ठा और वो सब दरखास्तें दें ताकि एक मजबूत केस बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी एक आधा केस होगा 6 महीने साल बाद या 1.5 साल बाद, फिर ये वापस आएंगे? नहीं नहीं, और नहीं, फिर नहीं, आगे खुदा ना खास्ता वो दरखास्त बदले की नीयत से वापस आएंगे, दरखास्तें देंगे, दरखास्तें देंगे। तो इसका मतलब है ये किस तरह की बदमाशी है, ये किसी को दूसरे को कानों कान खबर ही नहीं थी, पता ही नहीं था ये मामला हुआ है तो उसके बाद पता चल सके, या उससे पहले लोग खामोश थे? खामोश थे, डरते थे। ठीक है, क्या चाहते हैं आप लोग? एक तो जाहिर है इनके खून का इंसाफ तो है, दूसरा अगर वाकई ये बदमाश हैं, इस इलाके में इसी तरह बदमाशी करते हैं, तो क्या को अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अपील है साड़ी जी, इरा मामला जरा CI ने दिता जाए, CI के पास तफ्तीश आनी चाहिए, कुछ दरख्वास्त दी है? नहीं अभी तो हम फारिग नहीं हुए, दरख्वास्त नहीं दी, नहीं फारिग नहीं, अभी तो कल दफनाया है, आज तो अपना खत्म शतम थे। फरम बट पे और बच्चों पे इससे पहले कितने मुकदमा थे, वो आइडिया आप लोगों को? तकरीबन काफ़ी काफ़ी ने, बहुत सारे, तकरीबन मेरा ख्याल 100 से 80 दे के करीब मुकदमा। तकरीबन किस नोयत की? कत्ल के भी हैं? कत्ल के भी, इकदाम कत्ल के भी होंगे? और काफ़ी छोटे छोटे नशियात वगैरह तो नहीं बेचते? बेचते थे, नशियात भी बेचते? बेचते। अच्छा, उसके मुकदमा भी होंगे? उनके मुकदमा। पुलिस को तावन कर रही है आप लोगों के साथ? अभी तो साढ़े ना तो कोई उन्होंने गाल लाने के नहीं की थी, क्योंकि मुलजमान के बारे में हमें ये पता चला कि अब बुरी जमानतें करवाई हुई, अब बुरी जमानतें, जाहिर है अभी वो शामिल तफ्तीश तो नहीं हो सकता या उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस का रवैया या पुलिस ने कुछ तसल्ली दी आप लोगों को? यहाँ पे आए हैं, मौके पर टाइम पर आ गए थे, उसके बाद आए मालूम लेने? जिस टाइम असी रोड ब्लॉक किए सन गवर्नर मौसमी साहब, उस वे साढ़े नो मामला करते रहे, लेकिन उसके बाद वहाँ तक तो मामला चलते हैं, मजबूरी होती है, सड़क खुलवानी होती है, उसके बाद अभी तक तफ्तीश आगे बढ़ती नजर आ रही है, देखेंगे आज पता करेंगे, जाएंगे उनके पास, जाएंगे शाम को जाएंगे। ठीक, अब तो हम खुद ही नहीं तो फारिग थे, हमारे घर में सो गए तो हम किधर थाने जाएंगे? अब तो नहीं, आप लोग मोलेदार क्या कहते हैं, अब तो नहीं डरने वाले? नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह पक्की बात है। पुलिस से हासिल होने वाली तफसीलात के मुताबिक मुलजिम खुरम बट के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 16 और हैदर बट के खिलाफ 3 FIR दर्ज हैं। इन मुलजिमान पर लगने वाले इल्जामात में हवाई फायरिंग, कत्ल, इकदाम कत्ल और मनशियात रखने के इल्जामात शामिल हैं। हमारा निजाम इस तरह के मुजरिमों के साथ क्या सलूक करेगा, हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान। Thank you.